Hi everyone, a very good and fresh good morning to all my YouTube family. So welcome back to our new blog. तो हमारे आज एक नए ब्लॉग के साथ जुड़े रही है. हमारा आज का ब्लॉग होने वाला है बहुत ही खास. घर पर पहुंच चुकी है दोनों की दोनों सिस्टर. तो बेबी भी आ गई है और सिस्टर वंदना भी आ गई है हमारे घर पर. तो ले चलता हूँ आपको घर के बाहर सड़क की तरफ. तो सड़क की तरफ देखिए सवेरे सवेरे मॉर्निंग में ही क्या व्यू मेरे को देखने को मिल रहा है. घर के बाहर लग गई है तीनों की तीनों गाड़ियाँ और तीनों की तीनों गाड़ियाँ एक ही कंपनी की है, हुंडई की और i10 है तीनों की तीनों. तो किसकी गाड़ियाँ हैं एक्चुअली. मैं शाम को जब ये लोग यहाँ पे पहुँचे थे तो घर के यहाँ बाहर नहीं आया था. प्रियंका के साथ हेल्प करवा रहा था मैं किचन में, तो खाना वगैरह प्रिपेयर कर रहे थे. तो मैंने देखा नहीं था कि यहाँ पे इन्होंने इस तरह से पार्क की हुई है गाड़ियाँ. तो सबसे फ्रंट में आप लोग देख सकते हो बीबी की गाड़ी है ग्रैंड i10 न्यू स्पोर्ट्स. उसके बाद ये सिस्टर वंदना की गाड़ी है, ये भी i10 है. और उसके बाद ये हमारे न्यू जीजू साहब की गाड़ी, ये देख सकते हैं आप जल शक्ति विभाग आगे इन्होंने लगाया हुआ है यहाँ पे. तो बेबी और सिस्टर वंदना और उनकी फैमिली आए हुए हैं यहाँ पर, और बेबी और उनके हस्बैंड ही आए हैं ओनली. बाकी प्रियंका ने आप लोगों को कल दिखाया होगा यहाँ पे नालियों का काम चला हुआ है जोरों पर. तो इस तरह से कुछ नालियाँ प्रिपेयर हो रही हैं क्योंकि बरसात का टाइम आने वाला है. तो सड़क भी अभी न्यू बनाई गई है यहाँ पर, तो सड़क की सेफ्टी वाइज भी और जो सीजन आने वाला है उसको मद्देनज़र देखते हुए काफ़ी अच्छा काम किया है यहाँ पे SPPWD वालों ने. और एक लुक हमारे घर की. तो चलिए अब लेकर चलता हूँ आपको अंदर और देखता हूँ कि प्रियंका क्या प्रिपेयर कर रही है आज मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट. तो इतने ज़्यादा गेस्ट आए हुए हैं तो प्रियंका की हेल्प करना तो बनता ही है. तो चलिए ले चलता हूँ आपको डायरेक्ट किचन की तरफ. और अभी देखिए टाइम हुआ है 6 बज रहे हैं मॉर्निंग के और मिठू और सानवी भी बहुत ही जल्दी उठ गए हैं. तो ये चला हुआ किचन प्रोग्राम कुछ इस तरह से. तो ये देख सकते हैं आप यूट्यूबर प्रियंका और यूट्यूबर वंदना भारद्वाज डट गए हैं मैदान में सवेरे सवेरे. तो यहाँ पर बातचीत चली हुई है कि प्रियंका ऑलमोस्ट आप लोगों ने देखा कि जब भी पराठे बनाती है तो डबल साइड भी बनाती है. तो और जो सिस्टर वंदना है कुछ टिप्स दे रहे हैं उनको सिंगल परांठे बनाने की रिगार्डिंग. लेकिन ये सिंगल बनाते ना जाता दो मिनट में खत्म, जितना इसमें और घंटे में खत्म करना था. इनकी डिस्कशन चली हुई है कि सिंगल आटे को ट्राई करते करते ये जो आटा गूंथा हुआ है तो ये आधा हो गया है. तो मॉर्निंग में बन रहे आलू के परांठे बहुत टेस्टी. आप लोगों के साथ रेसिपी तो हमने ऑलरेडी शेयर की हुई है. और जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारा मैक्सिमम खाना बनता है चूल्हे के ऊपर, तो चूल्हे के ऊपर ही बन रहे हैं परांठे भी. और सब्सक्राइबर पूछ रहे थे कि आप लोग दोनों कैसे हो दोनों बच्चे. हम लोग भी ठीक है, आप लोग ठीक हो? हम लोग भी ठीक है, आप लोग भी ठीक हो? मामी तो रह गई पीछे यार. कैसे? मामी तो नहीं आया काम करने. बेइज्जती होगी मामी की बहुत ज्यादा. मम्मी तो तू ही बचा सकते हैं मुझे इस बेइज्जती से. है ना? तो कुछ मोमेंट्स आप लोगों से उस टाइम के मैं शेयर कर रहा हूँ जब ये हमारे घर पर पहुंचे हुए थे और हम भी इनको काफी ज्यादा मिस कर रहे थे. बहुत ज्यादा दिन हो गए थे इनसे मिले हुए. ठीक है अब सुनियो. मैंने देखा था वाह आवाज आ रही थी दे दड़ा दड़ दे दड़ा दने मेवरे मिट्टू के. आपको कैसे पता ये बताओ है? आपको कैसे पता चला मुझे
बोला उसने रक्स की तरह खा गया और रक्स होता है जैसे रक्स किसने? और क्या बोला रक्स की तरह खा गया वो मिट्टी किसने बोला मेरे को पता चला हो बोला रक्स की तरह खा गया वो पूरा मिठाई है? खाम गई ना? है? नहीं यार मिट्टू एनीवे मिट्टू मिट्टू क्या किया नानी ने मालिश किया इसको मालिश करी हूँ भाई ये बीमार हो गया था बैटरी कम है उसके अंदर अच्छे क्या क्या हुआ था देखो उल्टियाँ क्या खाया था किधरी तीतल क्या हुआ तेरे पाँव में दर्द हो रही है हाँ। थकी है इसको मालिश हो रहा है दोनों पाँव में सानू की एक मई हाय हेलो तो कर दे हमारे सब्सक्राइबर को तो क्या सब्सक्राइबर पूछ रहे थे कि सानवी कैसी है मैं भी ठीक हूँ कैसे हो डिनर में हमारे घर पर बना हुआ था बहुत ही सिंपल खाना तो हमने बनाया हुआ था न्यूट्री और आलू मिक्स और साथ में करेले बनाए हुए थे और हमने बनाई हुई थी कड़ी तो आप अपने घर पर ही रहें अननेसेसरी बाहर ना जाएं ये जो COVID-19 है इससे अवेयर करें दूसरे लोगों को भी और अपने घर पर बहुत ही हेल्दी फूड खाएं और अननेसेसरी बाहर जाने से बचें और रही बात आज के मौसम की तो आज का मौसम भी आप लोगों को दिखा देता हूँ तो एक फॉग सी पड़ी हुई है हर तरफ और आसमान में बादल हैं तो बारिश का माहौल बना हुआ है लेकिन अभी उतने ज़्यादा बादल नहीं आए हुए हैं कि बारिश हो जाए और बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था मेरे को ये इस तरह से धुंध पड़ी हुई है सामने वाली हिल्स पर और कुछ वेदर इस तरह से दिख रहा है और थोड़ी सी ग्रीनरी भी मैं आप लोगों को दिखा दूँ तो ये हमारे किचन से बिल्कुल सामने दिखती है कुछ इस तरह से तो ये था हमारा आज का मॉर्निंग का ब्लॉग और आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा हमें कमेंट बॉक्स में बाकी आप में से मैक्सिमम सब्सक्राइबर को हमारे पिछले ब्लॉग्स की नोटिफिकेशन नहीं मिली है तो काइंडली आप हमारे पिछले ब्लॉग्स को भी चेकआउट करें और देखें उसको भी तो आज के ब्लॉग की मैं यहीं पे एंडिंग कर रहा हूँ जल्द ही लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए न्यू ब्लॉग और अपनी सिस्टर्स बनना और बेबी से भी आपकी बातचीत करवाऊंगा ये मेरा प्रॉमिस रहा तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा बाय टेक केयर